अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारामा साबित होगी। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए, और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, खान साहब के खाका निगार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुश्ताक अहमद यूसुफी। नेक्स्ट सवाल है, आतिश पारे किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सआदत हसन मंटू। नेक्स्ट सवाल है, फिरदौस ख्याल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद। अगला सवाल है, अल हलाल व अल ब्लाक का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सहाफ़त से। अगला सवाल है, फिरदौस बरी किसका नावल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल हलीम शरर का है। नेक्स्ट सवाल है, नज़ीर अहमद के वालिद बुजुर्गवार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मौलवी सआदत अली। अगला सवाल है, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के वाक़यात आशफ्ता बयानी मेरी के उन्वान से किसने तहरीर किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जोश मली आबादी को। नेक्स्ट सवाल है, अफसानवी मजमू अंगारे के शात है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 है, 1928, 1919, 1936, 1925। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद ने कुल कितनी नावलें लिखी हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 नावल लिखी हैं। अगला सवाल है, उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा के मजमून निगार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मेहदी अफादी। अगला सवाल है, कौन ड्रामा की रूह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मरकज़ी ख्याल। अगला सवाल है, रजब अली बेग सरूर ने किसकी फरमाइश पर फसाने अजाब लिखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हकीम असद अली। अगला सवाल है, मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद मुलाजमत से किस सन में सबकदोश हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, नमरूद की खुदाई का ताल्लुक अदब के किस सिंफ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, नज़ारे के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णचंद्र। अगला सवाल है, मेहता और मालती किस नावल के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गोदान। अगला सवाल है, कौन उर्दू की तबाज़ात दास्तान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फसाने अजायब। अगला सवाल है, बागे उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शेर अली अफसोस। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बाकर।
नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली की तारीखी इमारतों का हाल मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, आसारु सनादीद। नेक्स्ट सवाल है, अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फसाने अजायब। नेक्स्ट सवाल है, अखलाक़े मोहसिनी का उर्दू तर्जुमा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गंजे खूबी। नेक्स्ट सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेसली। अगला सवाल है, बागो बहार में दूसरा दरवेश कहाँ का बादशाह ज़्यादा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फारस का। अगला सवाल है, गिलक्रिस्ट ने बागो बहार पर कितने इनाम की सिफारिश की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 500 रुपये की। अगला सवाल है, लाजवंती किसका अफसाना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, खलील रहमान आज़मी। अगला सवाल है, तज़किरा निकातु शोरा किसने मुरतब किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट सवाल है, वो गब भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये अल्फाज शिबली ने किसके लिए कहे थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, अगर खाकम बदन दीवाने गालिब ना होता और सिर्फ खतूते गालिब होते तो भी गालिब गालिब ही होते, ये कलमात किसने कहे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। नेक्स्ट सवाल है, अलहलाल के मज़ामीन मकालात आज़ाद के नाम से कितनी जिल्दों में शाये हुए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट सवाल है, ज़िक्र गालिब के नाम से गालिब की सवाने उमरी किसने लिखी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मालिक राम। अगला सवाल है, कारवाने ख्याल किसके खतूत का मजमूआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने किस सन को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद बताया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मसनवी को। नेक्स्ट सवाल है, ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामा वीरा का तर्जुमा निगार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सआदत हसन मंटू। नेक्स्ट सवाल है, स्याह हाशिए किसकी तख्लीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सआदत हसन मंटू। नेक्स्ट सवाल है, रिसाला हंस के मदीर कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज में फारसी के सदर मदरिस कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इमाम बख्श सहबाई। अगला सवाल है, जेल में कौन खतूते गालिब का मकतूब लय है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन अहमद खां। नेक्स्ट सवाल है, कवायद उर्दू किसकी किताब है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, मेहदी आफादी की सने वफात है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1921। अगला सवाल है, वज़ीर तालीम जमहूरिया हिंद का
फ़ख्र किसे हासिल हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल, रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, जब वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे, इस शेर में किस शायर का सियासी रंग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हसरत मोहानी। नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदा में अरस्तु ने ड्रामे के कितने अनासिर कायम किए थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 अनासिर कायम किए थे। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद ने जामे जम रिसाला में अमीर तैमूरिया से आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक कुल कितने फरमा रवाओं के हालात दर्ज किए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 43। नेक्स्ट सवाल है, आज़ादी राय किसका मज़मून है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सर सैयद का। अगला सवाल है, नरंगे ख्याल किस नवयत की मज़ामीन का मजमूआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तमसीली। नेक्स्ट सवाल है, फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अवध अखबार। नेक्स्ट सवाल है, सुबह आज़ादी किसकी नज़म है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फैज़ की। नेक्स्ट सवाल है, उमराव जान अदा का सन इशात क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है, स्कूल मास्टर का ख्वाब किसकी तख्लीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मुश्ताक अहमद यूसुफी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी तहरीक इश्तराकी नज़रियात की हामिल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, मकातिब गालिब की तरतीब किसने दी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इम्तियाज़ अली अरशी। नेक्स्ट सवाल है, किस तरह के खाकों में जज्बे अकीदत खलूस और हमदर्दी के जज्बात की कार फरमाई होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मदिया खाके। नेक्स्ट सवाल है, शीश महल किसके खाकों का मजमूआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शौकत थानवी। नेक्स्ट सवाल है, जेल में कौन तबाजात किस्सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रानी कैतकी की कहानी। नेक्स्ट सवाल है, किस नावल में शादियों से पैदा शुदा मसाइल से बहस की गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फसाने मुब्तला। नेक्स्ट सवाल है, नज़ीर अहमद ने किस नज़रिए के तहत नावल लिखे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इस्लाही। अगला सवाल, उर्दू में तारीखी नावल का आगाज़ किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट सवाल है, किस नावल में लखनऊ की जागीरदाराना अहद की जवाल पज़ीर माशरत की अक्कासी मिलती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फसाने आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, सादत हसन मंटू की सन पैदाइश है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 11 मई 1912। नेक्स्ट सवाल है, मंटू का पहला अफसाना तमाशा किस में शाया हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, खल्क में। नेक्स्ट सवाल है, हिंदू मुसलमान नज़्म के शायर कौन हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तिलोक चंद महरूम।
नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, क्या हिंद का जिंदा काप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, ये मिसरा किस नज़्म से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। नेक्स्ट सवाल है, इकबाल की कौन सी नज़्म इत्तेहाद और कौमी एकजहती पर मबनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नया शिवाला। अगला सवाल है, सुबह वतन किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जोश मलियाबादी। नेक्स्ट सवाल है, बदनसीब माँ का मरकज़ी किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, फूलमती। नेक्स्ट सवाल है, लाजिम था कि देखूं कि तेरा रास्ता कौन है, दिन और कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, ये मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा ज़ैनुल आबदीन खान आरिफ। नेक्स्ट सवाल है, मेहंदी आफादी के खतूत का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सहीफ़े मोहब्बत। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इंशाइया। नेक्स्ट सवाल है, स्वदेशी रेल किस किस्म का अफसाना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मज़ाहिया। नेक्स्ट सवाल है, चीनी शायरी के मुसन्निफ़ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कन्हैयालाल कपूर। नेक्स्ट सवाल है, पतरस बुखारी का असल नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सैयद अहमद शाह। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही ने हैवान ज़रीफ किसको कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब को। नेक्स्ट सवाल है, खाकम बदन के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 79 का 4, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। नेक्स्ट सवाल है, यादगार अबुल कलाम आज़ाद के खालिक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, काजी अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट सवाल है, अलमिया और तरबिया का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रामा से है। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद का शाहकार नावल जिसमें उसका फ़न अपनी बुलंदियों के इंतहा पर पहुंचा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गोदान। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मिर्ज़ा गालिब का है। नेक्स्ट सवाल है, फरातुल्ला बेग ने वहीदुद्दीन सलीम का खाका किस उनवान से लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, एक वसीयत की तामील। नेक्स्ट सवाल है, शमा के सामने किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू के पहले अखबार जामे जहानुमा के एडिटर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सदा सुखलाल। अगला सवाल है, तस्करा हिंदी किसका तस्करा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुसफ़ी का है। नेक्स्ट सवाल है, हवाई किला किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण चंद्र।
नेक्स्ट सवाल है, मीरामन के फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई का जरिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, मीर बहादुर अली हुसैनी। अगला सवाल है, मजमूए नक्स को किसने तरतीब दिया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, महमूद शिरानी। नेक्स्ट सवाल है, तौबतुन नसूह में मरकज़ी हैसियत हासिल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, नसूह। नेक्स्ट सवाल है, सिनेमा का इश्क किसका इंशाइया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, पतरस बुखारी। अगला सवाल है, उर्दू में इंशाइया नगारी के सिंफ किस ज़ुबान से आई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, यूनानी। नेक्स्ट सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, 1870। अगला सवाल, उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद किसने डाली, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, फरहतुल्ला बेग। अगला सवाल है, लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, खुतबात अहमदिया। नेक्स्ट सवाल है, मुगालता किसकी तख्लीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट सवाल है, सीरतुन्नुमान में शिबली ने किसकी सवाने लिखी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, इमाम अबू हनीफा। अगला सवाल है, मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा दी गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, मोहम्मद बाकर। अगला सवाल है, एशिया जाग उठा किसका मजमूआ कलाम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, सरदार जाफरी। नेक्स्ट सवाल है, अमीरन को अगवा करके कहाँ ले जाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, लखनऊ। नेक्स्ट सवाल है, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूआ कलाम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, मखदूम मोहिद्दीन का। नेक्स्ट सवाल है, नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, यह कौल किसका है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, आल अहमद सुरूर। अगला सवाल है, शिकस्त के नावल निगार हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, कृष्णचंद्र। नेक्स्ट सवाल है, मास्टर रामचंद की तसनीफ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, अजायबात रोज़गार। नेक्स्ट सवाल है, मौलवी ज़कारुल्लाह की तसनीफ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, तारीख हिंदुस्तान। नेक्स्ट सवाल है, मुहब्ब हिंद रिसाला किसने जारी किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, मास्टर रामचंद्र। 1857 की जंग में शहीद हुए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, इमाम बख्श सहबाई। अगला सवाल है, वर्नाकुलर सोसाइटी का ताल्लुक किससे है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार, दिल्ली कॉलेज से है। नेक्स्ट सवाल है, यादगार गालिब पर सने शाद क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार किसका इंशाइया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 11, एक। नेक्स्ट सवाल है, नासिर अली खां बिलग्रामी की किताब हफ्ते गुलशन का उर्दू तर्जुमा किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार,
मज़हर अली खान वल्द। नेक्स्ट सवाल, एक चादर मेलिसी के खालिक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है, काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, दारुशिकवा। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद का वो मजमा जो हुकूमत ने जब्त किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सोजे वतन। नेक्स्ट सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शरीफजादा मिर्ज़ा हादी रुस्वा। नेक्स्ट सवाल है, नाम देव मालिक खाका निगार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट सवाल है, खाका में बुनियादी शर्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इख्तिसार। अगला सवाल, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस किताब में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, निरंगे ख्याल। नेक्स्ट सवाल है, तस्करे हिंदी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुसफ़ी की। नेक्स्ट सवाल है, किस्सा में अगला वाक्य पिछले वाक्य का लाजमी और मंतकी नतीजा मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लाट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शुमाली हिंद में उर्दू की पहली और बाकायदा नसरी दास्तान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नौ तर्ज मरसा। अगला सवाल है, यादों की बारात किसकी आप बीती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जोश मली आबादी की। नेक्स्ट सवाल है, हम जो तारीख राहों में मारे गए नज़्म के खालिक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, फैज़। नेक्स्ट सवाल है, दस्ते तहे संग किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फैज़। नेक्स्ट सवाल है, गोदान मुकम्मल तौर पर कहाँ से शाय हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गोदान, चौथा है बनारस। नेक्स्ट सवाल, अवध पंच के एडिटर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सज्जाद हुसैन। अगला सवाल है, मेरा साहब खाका किसकी शख्सियत पर लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट सवाल है, गुंज हाय गरामाया किसके खाकों का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट सवाल है, नए अदब के मेमार का ताल्लुक अदब की किस सिंफ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, खाका से है। नेक्स्ट सवाल, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान हमारा किसकी शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जानिसार अख्तर। अगला सवाल है, गुब्बारे खातिर के खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस जेल से लिखे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, किला अहमदनगर। नेक्स्ट सवाल है, किसके नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़ाल आमाल के तस्वीर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु। नेक्स्ट सवाल है, लखनऊ में इंद्रसभा किस बादशाह के अहद में लिखी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट सवाल है, तरहदार लॉन्डी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सज्जाद हुसैन।
नेक्स्ट सवाल, वारदात कितने अफसानों पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 13। अगला सवाल है, बिस्मिल सईद टोंकी खाका निगार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, निसार अहमद फारूकी। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका के मुरत्तब कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शमीम हनफी। नेक्स्ट सवाल है, नादराते गालिब में किस मकतूब इलाह को लिखे खतूत शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंशी नबी बख्श। अगला सवाल है, आग का दरिया किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कुरतुल ऐन हैदर। अगला सवाल है, सर सैयद को उर्दू इंशा पर्दाजी का मुजद्दिद और इमाम किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शिबली नोमानी। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने कतरे शबनम की तरह अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया रखते हैं, ये कलमात किसने कहे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर मसूद हुसैन खां। अगला सवाल है, ड्रामा किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्राओ। नेक्स्ट सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में हुई। नेक्स्ट सवाल है, झेंगुर का जनाजा किसका इंशाइया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा हसन निज़ामी का है। नेक्स्ट सवाल है, कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कामरेड किसने जारी किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट सवाल है, हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गुले मगफिरत। नेक्स्ट सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी खुदनविस सवाने उम्री किस नाम से लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जरगुज़िश्त। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।